एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू चैनल सस्ती क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं फिर से आपके लिए शॉर्ट टेढ़ी डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये फुल टेढ़ी डिज़ाइन है और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ, ये कितने इंचिस का है। ये हमारा टेढ़ी 3.5 इंचिस का है एंड इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 3.212 इंचेस है। तो बहुत ही शॉर्ट है। ये मैं 10 साल के बेबी बॉय के लिए जैकेट बना रही हूँ, जो कंप्लीट होने पर आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो और आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ से मिलते हैं। मैं आपको ग्राफ दिखाती हूँ। ये जो हमारा टेढ़ी का डिज़ाइन है, ये हमारे 26 फंदों का बना हुआ है, जो मैं आपको बहुत ही क्लियरली दिखा रही हूँ। ये 26 फंदों का बना हुआ डिज़ाइन है एंड इस टेढ़ी को डिज़ाइन को बनाने में कितनी सिलाइयाँ हमें बुनना पड़ेगा, तो वो हमारी, ये मैंने यहाँ पर भी काउंट की हुई है, 30 सिलाई आएगी। 26 फंदों का डिज़ाइन एंड 30 सिलाई का पूर्ण फुल टेढ़ी डिज़ाइन है, बेबी टेढ़ी डिज़ाइन। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बुनना। तो ये मैंने अदरवाइज सिर्फ ग्राफ बनाया है। आप सबको टेढ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो मैंने ये इस स्वेटर में, मैंने बताया आपको, मैंने 10 साल के बेबी बॉय के लिए ये जैकेट बना रही हूँ। तो इसमें मैंने जो बैक पार्ट है हमारा, इसे मैंने ये 100 फंदे लिए हैं, जिससे 10 to 12 ईजली आराम से ये जैकेट आ जाए। तो मैंने इसमें ये 100 फंदे लिए हैं एंड दो सीधा और दो उल्टा सिलाई से ये बॉर्डर बनाया हुआ है, दो दो फंदे करके, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी मैंने कितने इंचेस का बॉर्डर बनाया है। ये हमारा 1.4 इंचेस हमारा डिज़ाइन है बॉर्डर का इंचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आगे के, ये मेरा आगे का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जैकेट का, जिसमें मैंने 70 फंदे डाले हुए, 70 फंदे में हमने, वो सॉरी 68 फंदे डाले हैं इसमें मैंने। 68 फंदे में मैं ये इधर फ्रंट के बॉर्डर के लिए 8 फंदे बॉर्डर के लिए छोड़ दूंगी। एंड मैं आपको बता दूं, मैं इसमें ये डिज़ाइन, इसमें 60 फंदे बचे हुए जिसमें के दो टेढ़ी डिज़ाइन बहुत ही इजीली बन जाएंगे, लेकिन मुझे दो टेढ़ी डिज़ाइन नहीं बनाने हैं, मुझे ये बिल्कुल बॉर्डर के पास में एक ही टेढ़ी डिज़ाइन लेके चलना है कंप्लीट। तो एक हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा इसी तरीके से। अगर आप चाहते हैं तो एक बिल्कुल सीधा और एक थोड़ा सा उसके इसके कंप्लीट होने के बाद में आप साइड में दूसरा टेढ़ी बना सकते हैं अदरवाइज, पर मैं ये बिल्कुल ऊपर नीचे ही टेढ़ी बनाऊंगी। तो ये मैंने बताया था आपको, मेरे 68 फंदे हैं जिनमें से मैंने 8 फंदे यहाँ पर बॉर्डर के लिए छोड़ दिए हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर 26 फंदे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, 26 फंदे छोड़कर इस सिलाई पर जो बाकी बचे हुए फंदे थे वो मैंने बुन लिए हैं सिंपल। तो अब हमें स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले हमें ग्राफ से, ये देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे, 1 2 3 4 and 5 फंदे के बाद अब हमें 1 2 3 4 फंदे हमें टेढ़ी के डिज़ाइन के लिए बुनने हैं। मैंने पहले से ही अदर रूल की गांठ लगाकर नोट बना रखा था यहाँ पर। अब हमें 4 फंदे बुनाई करने हैं, 1 2 3 and 4। 4 फंदे के बाद फिर आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमें फिर दूसरे कलर से बुनने हैं,
एट फंदे बुनने थे, हमने फोर कर लिए हैं, तो हमें इस वूल को दूसरे कलर को इस तरह से ले लेंगे ताकि हमें बुनाई करने में आगे कोई दिक्कत ना हो। 5, 6, 7, फिर से हम इसी तरीके से कर लेंगे, एंड 8, 3, 3, 6, 2, 8। फिर से हमें 1, 2, 3, 4, 4 फंदे फिर से हम दूसरे कलर से बना लेंगे। 2, 3, 4, 1। अब ये हमारा देखिए 4, 4, 4, 8, 8। तो ये फंदे हमारे टेडी के डिजाइन के ही हैं, इन्हें हम ऐसे ही बुन लेंगे, लेकिन हमें बॉर्डर के फंदों का ध्यान देना है कहाँ तक हमें बॉर्डर बनाना है। तो ये फंदा हम बुन लेंगे, ये भी, और अभी देखिए यहाँ पर ये मैंने एक गांठ है, एंड जो फर्स्ट फंदा होता है स्टार्टिंग का हमारा, इसे हम फली ही बनाएंगे ताकि ये हमारे बहुत अच्छी शेप आए बॉर्डर की, बिल्कुल गोलाई में। कितना प्यारा लग रहा है। फिर से हमें इसी तरीके से बुनना है बॉर्डर को। आ गए हम डिज़ाइन के पास में, तो ये हमारे पर 4 फंदे थे। तो अब ये देखिए हमें एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया है और इधर एक फंदा बढ़ चुका है हमारा, यहाँ पर भी दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ाया है हमने ये। तो यहाँ पर इसे हम बढ़ा लेंगे, एक फंदा इधर और एक फंदा इधर। बीच में हमारी 3, 4, 5 एंड 6 फंदे रह गए। 2। अब ये सारे फंदे यहाँ भी हमारे 5 हुए और 6 हुए, यहाँ पर भी 6। अब हम सारे फंदे ये ऐसे ही बुन लेंगे, देन हम अब नेक्स्ट सिलाई पर आ चुके हैं। यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाना है। अब बीच में हमारे यहाँ पर 4 फंदे रह चुके हैं, अब एक फंदा फिर से हमने इधर बढ़ाया। एक फंदा हम इधर बढ़ा देंगे, फिर हम अपने सिंपल ही फंदे बुनेंगे, जहाँ पर बॉर्डर है वहाँ पर हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। तभी बॉर्डर के मैंने यहाँ पर ये जो गांठ वाला पोर्शन है सीधी तरफ, यहाँ पर मुझे बटन के लिए जाली बनानी है यहाँ पर। तो ये देखिए जाली बनाने के लिए
तीन बार मैंने लपेट ले लिया है एंड देन इन्हें हम ये हमारा हो गया देन हम आगे से बुन लेंगे। अब हमें फिर हमारी नेक्स्ट सिलाई है तो हमें फिर से ध्यान देना है कि हमें फंदा बढ़ाना है या नहीं। तो अब ये देखिए थर्ड तक हमने अपना फंदा बढ़ाया था, अब हमें फिर से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारा एक ही फंदा बढ़ गया। देखिए ये हमारी 1, 2, 3 एंड 4 सिलाई पे हम ये हमारे फंदे सभी सेम थे, जो कलर हमने यहाँ पे बेस में लिया हुआ है वही हमारा सेम था। तो अब हमें 4 सिलाई पर सभी फंदे मैचिंग कर लेने हैं क्रीम कलर से ही। ये वाला देखिए फिर ये हम सारे फंदे बुन लेंगे। फिर से हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे। तब ये हमारे पैर की शेप ये कुछ इस तरीके से आई है। पहली सिलाई पर हमने 4 फंदे लिए थे, यहाँ पर 4 फंदे, फिर हमने एक एक फंदा दोनों साइड में इधर इधर बढ़ाया है, फिर थर्ड सिलाई पर भी हमने एक एक फंदा बढ़ाया है एंड फोर्थ सिलाई पर हम सारे फंदे सेम कलर के कर लेंगे यहाँ पर। तो अब ये मेरे इधर के फंदे जो हैं बचे हुए, इन्हें मैं ऐसे ही बुन लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ टेढ़ी के डिज़ाइन पर। तो ये देखिए फोर्थ सिलाई से अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है यहाँ पर, तो हमें ऐसे ही बुन लूंगी मैं इन्हें। अब हमें ध्यान देना है ये जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो हमारे बीच का फंदा है 6 यानी कि 2, 2, 2, 6 ये वाला फंदा। अब इसी फंदे पर हमें दूसरा कलर यूज़ करना है एंड देन बीच के फंदे हमें 1, 2, 3, 4, 6। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ, ये जो हमारा फंदा है यहाँ पर 4 फंदे हमारे बीच के हैं, एक एक फंदा जिस पर हमने दो दो बार हमारी सिलाई हुई है उसी के ऊपर, तो दो बार हमारा ये है, एक सिलाई उतार दी थी हमने, तो बीच के जो हमारे 6 फंदे हैं, 6 फंदे पर हमें छठे फंदा और पहला फंदा और छठा फंदा हमें दूसरे कलर का करना है एंड देन हम फिर से सभी फंदे ऐसे ही कर लेंगे। अब ये देखिए हमें दोनों साइड में देखना ज़रूरी है ग्राफ की सहायता से, तभी हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है डिज़ाइन बनाना। पहले ग्राफ बनाएंगे फिर उसके बाद आसानी से हम डिज़ाइन बना लेंगे, लेकिन दोनों तरफ इक्वल है या नहीं है इस चीज़ पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे फोर्थ के बाद में हमने कोई फंदा इधर नहीं बढ़ाया, बट हमारी ये फिफ्थ सिलाई पर हमारे यहाँ पर फंदा बढ़ा हुआ है, वहाँ फोर्थ के बाद कोई फोर्थ पर फंदा बढ़ाया हुआ था, यहाँ पर हमारे फोर्थ के बाद फिफ्थ पर भी फंदा बढ़ाया है, तो यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। तो ये एक फंदा हमारा इधर बढ़ चुका है एंड दम हम फिर से
अब ये देखिए, हमने फिफ्थ सिलाई पर फंदा बढ़ाया था, लेकिन अब हमें कोई सेवन्थ एट्थ सिलाई तक, आठवीं सिलाई तक हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो हम सेम इसी तरीके से अब ये सिलाई बुन लेंगे अपने। अब ये देखिए, हमने ये वाली सिलाई, फिफ्थ सिलाई पर है हम, तो हमें एक एक फंदा इधर अंदर की तरफ घटा देना है, यानी कि बीच में तो हमें बढ़ाना है लेकिन इधर साइड में घटा देना है। तो अब हमें ये वाला फंदा दूसरे कलर से बुन लेंगे, एंड इस वाले कलर को फिर हम क्रीम कलर का बना लेंगे इस तरीके से। सेम प्रोसेस हमें इधर भी ऐसे ही करना है। ये वाला फंदा हम क्रीम कलर का ही कर लेंगे एंड ये वाला ग्रीन कलर। सेम हम अब इसी तरीके से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सेम ऐसे ही हम बुनते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट सिलाई पे आ गए हमें, यहाँ पर भी इस सिलाई पर भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। 1 2 3, तो ये फंदे हमें ऐसे ही बुन लेने हैं, यहाँ पर हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना। एंड देन हमें इसी फंदे के ऊपर फिर से इसी कलर में बुनना है, यहाँ पे ना ही हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना। इसी तरीके से इस फंदे के ऊपर हम सेम कलर से ही कर लेंगे। इस साइड भी हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना। ये हमारी बटन के लिए होल जाली बन गई है, यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर है। देन हम इस सिलाई पे आ गए, हम अपनी सेवन्थ सिलाई पर आ गए हैं। इस पर भी हमें कोई फंदा, यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो ये हमारी सेवन्थ सिलाई है, कोई फंदा इंक्रीज नहीं है हमारा यहाँ पर। ये देखिए, आपको यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारे क्रीम कलर के हैं, और हमें ये वाला फंदा यहाँ से घटा देना है, ये वाला। तो हम यहाँ पर ये वाला ग्रीन करेंगे और इसे क्रीम कलर बना देंगे। सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है। अब सारे फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए, हम ये हमारी सेवन सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, सातवीं सिलाई तक हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। तो अब हमें ये आठवीं सिलाई पर हमें एक फंदा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है यहाँ पर। हम फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे।
देन हमें ध्यान देना है यहाँ पर, फिर से हमें यहाँ पर ये फंदा बढ़ाना है, इधर कटा देंगे। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी यही किया है, जैसे इधर बढ़ाया ऐसे इधर यहाँ पर बढ़ा दिया। अब हमें ये देखना है कि हमें इधर भी फंदा बढ़ाना है या नहीं। हम आठवीं सिलाई पर है तो आठवीं सिलाई पर हमें यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर हमने एक बढ़ाया है लेकिन इधर नहीं बढ़ाना है। इधर हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, हमें सिंपल ऐसी अपना बॉर्डर। अब हम ये नौवीं सिलाई पर है तो हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, तो ये फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। सॉरी, यह हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाने के बाद में एक फंदा फिर हमें ऐसे ही बुनना है, एंड देन ये वाला फंदा हमें इस कलर से बुनना है। चलिए, जैसे हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है नौवीं सिलाई पर, एक फंदा बढ़ाने के बाद में हम यहाँ पर ये क्रीम कलर हुआ हमारा, ये भी हमारा क्रीम कलर हुआ, एंड देन ये वाला फंदा हम ग्रीन रखेंगे तीसरा नौवीं सिलाई में। तो ये हमारा तीसरा फंदा ग्रीन कलर हुआ, एंड देन हम 1 2 3 थ्री फंदे हमारे ये नौवीं सिलाई पर है, दो फंदे क्रीम एक फंदा ग्रीन, एंड तीन फंदे फिर हमने क्रीम कलर के बुने हैं। ये तीन फंदे हमने फिर 1 2 3 क्रीम कलर के बुन लिए हैं, एंड देन हम फिर ग्रीन कलर लेंगे यहाँ पर। ये एक फंदा हमारा इधर कम हो जाएगा, फिर हम इसी तरीके से आगे तक बुनेंगे। अभी ये वाली शेप जो होगी ये हमारी हाथों की शेप होगी, ये बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा इससे अलग डिजाइन बनाऊंगी, यहाँ पर मैंने ये बीच में यहाँ पर भी बूटा दिया हुआ है क्योंकि मैंने इसमें नहीं बनाया बीच में। आप चाहते हैं तो आप बीच में एक सिलाई पर दो फंदे और एक सिलाई पर तीन फंदे, इस तरीके से सिर्फ दो सिलाई के ही बीच में डाल सकते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ से हाथों की शेप स्टार्ट हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये बो बनाया हुआ है टाई वाला, टाई शेप में। तो अब हमें ये जो हमारा फंदा था, अब ये हम 9th सिलाई पर आ रहे हैं, तो हमें ग्रीन फंदे को हमें भून लेना है क्रीम कलर में। ये देखिए, हमें ये जो हमारा इस फंदे को भी हम भून लेंगे अभी क्रीम में ही, और ये जो हमारा ग्रीन फंदा है इसे हम क्रीम कलर में भून लेंगे। एंड देन मैंने ये देखिए इसमें ब्लैक कलर यूज किया है, आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर यूज कर सकते हैं। तो अब हमें ये थ्री फंदे
यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर ऐड कर लिया है, तो हमने ये ग्रीन वाला फंदा तो क्रीम कलर से बुन लिया, अब हमें 3 फंदे ब्लैक कलर के लेने हैं। 1, 2 एंड 3, 3 फंदे हमने ब्लैक कलर के लिए हैं। देन 1, 2, 3 फंदे हमें क्रीम कलर के बुनने हैं। और ये फंदा हमारा, एक फंदा हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, तो यहाँ पर ये फंदा भी हमारा क्रीम कलर हो जाएगा। और अब हम सारे फंदे अपने ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बोकर डिज़ाइन भी बन गया, यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट सिलाई पे आ गया, हमें यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, तो हम ऐसे ही बुन लेंगे। टू एंड थ्री, अब देखिए हमें फंदा, एक फंदा ब्लैक का कर लेना है, यहाँ पर ये फंदा बढ़ाना है ब्लैक में। और एक फंदा यहाँ पर हम इधर साइड में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। एंड देन हमें क्रीम कलर से 3 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3। देन हमें 1, 2। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमारा 3 फंदे थे, ये 2 फंदे हमारे, ये वाला फंदा था, इस फंदे के ऊपर हमें यहाँ पर 3 फंदे बनाने, यानी कि एक फंदा हमने इधर से कम करना है और एक फंदा हमें इधर से कम करना है। तो ये जो हमारे बीच के फंदे हैं, ये हमें ग्रीन करने हैं ओनली। तो अब ये 3 फंदे हम ग्रीन बना लेंगे। 1, 2 एंड 3, और ये हम क्रीम कलर में ही बनाएंगे। तो ये हमारी शेप इस तरीके से आएगी। नेक्स्ट कलाई पे देखिए, हमें ये फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। एंड ये वाला ग्रीन फंदा भी हम क्रीम बना लेंगे। और ये जो हमारे 3 फंदे थे, देखिए इन 3 फंदों का हम, ये जो बीच वाला है, इसे ग्रीन बनाएंगे ओनली। तो ये हमारा सिर्फ बीच वाले फंदे को ही हम ग्रीन रखेंगे, एंड इसे भी हम क्रीम कलर बना लेंगे। 3 का हम 1 बना लेंगे यहाँ पर। तो फिर अब हम चलते हैं आगे ऐसे ही बुनते हुए। बुनने के बाद में अब हमें ये 2 फंदों का 4 फंदे बनाने हैं। तो 4 फंदे बनाने के लिए जो 2 ब्लैक हैं हमारे, इसका एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे एंड एक फंदा अंदर से बढ़ा लेंगे इधर से। तो ये 2 के ऊपर 4 फंदे हो गए। 4 फंदे के बाद में ये 2 फंदे, ये एक फंदा हम क्रीम का रहने देंगे। एंड इस वाले फंदे को, ये जो 4 फंदे बनाए थे हमने, इसके जो बराबर में है, इस फंदे को भी हम ब्लैक बना लेंगे। देन ये भी ब्लैक ब्लैक, तब ये हमारे यहाँ पर 4 फंदे हो गए। लेकिन इस वाले फंदे को हम यहाँ पर घटा देंगे, घटाने का मतलब ये हमें क्रीम में ही बना लेंगे हम इस फंदे को, इस तरीके से।
एंड सेम प्रोसेस 1 2 3। कोई फंदा ना ही हमें यहाँ बढ़ाना था ना ही घटाना था, अब सेम हम इसी तरीके से फिर नेक्स्ट सिलाई पे। देखिए ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 7 8 9 10 11। 11 हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। देन क्योंकि हमने ये वाला फंदा यहाँ पर कम करा था ब्लैक वाला, अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक फंदा क्रीम वाला भी कम कर देना। तो जो ये हमारा क्रीम कलर है 1 2 3 3 सिलाई उतर चुकी है इसकी, तो अब ये हम यहाँ पर कम कर देंगे। तो फिर से हम ये क्रीम बुन लेंगे 1 2 कम कर लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर फिर से ये कलर एंड देन ये वाले फंदे हम ब्लैक ही रखेंगे, 2 3 एंड 4। ये हमारा 1 2 3 4। अब इस वाले फंदे को भी हम यहाँ पर ब्लैक ही कर लेंगे यहाँ पर, 1 2 3। और ये फंदा हमने यहाँ पर ब्लैक कर लिया, अब यहाँ पर फंदा हमें ये एक ब्लैक कम कर देना है। सेम एक फंदा हमने यहाँ पर कम कर दिया, अब सेम हम ऐसे ही बुनेंगे दूसरे कलर तक। तो ये हमने 3 पर 1 बना दिया था, अब इसी के ऊपर हम फिर से इसे ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए अब आ गए हैं, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 का 1 बनाया था ग्रीन, और फिर इसी के ऊपर एक फंदा और। अब ये करने के बाद में हमने ये 3 फंदे बुन लिए हैं, और ये हम ब्लू बना लेंगे यहाँ पर, ग्रीन बना लेंगे ये इस तरीके से। एक फंदा हमने इधर कम कर दिया। नेक्स्ट सिलाई पे ये फंदा हमने ऐसे बुन लिया। अब ये पिंक क्रीम जो कलर है, अब यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ हमने कम किया था, अब इस सिलाई पर 13वीं सिलाई पर हम यहाँ फिर से एक फंदा कम कर देंगे इस कलर का, यानी कि इसे हम ग्रीन बना लेंगे। और फिर हम ये फंदे 1 2 2 फंदे हो गए हमारे यहाँ पर बीच में, एंड ये जो ग्रीन कलर है, अभी देखना है ये ग्रीन कलर यहाँ पे हमें क्रीम कलर बना देना है, 1 2 3 3 हो जाएंगे हमारे क्रीम फंदे, एंड ये इधर हमें एक फंदा ग्रीन कलर हम इधर बढ़ा देंगे, एंड देन सेम फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये अब ये हमारा ब्लैक वाला डिज़ाइन, अब ये देखना है यहाँ पर हमें एक फंदा कम कर देना है ब्लैक में, ये फंदा हम क्रीम बना लेंगे, एंड 1 2 3 4 5 6 6 फंदे हम बनाएंगे ब्लैक, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 फंदे हमारे ब्लैक बन गए हैं। 6 फंदे हमारे ब्लैक बनने पर 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 3 फंदे हमारे हो जाएंगे क्रीम कलर के, 1 2 एंड 3, 1 2 3। अब ये वाला फंदा हम ग्रीन बना लेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर कम कर देंगे, तो ये फंदा अब हमारा ग्रीन हो जाएगा। अब ये सारे फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे। तो नेक्स्ट सिलाई पर अब हमें करना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 4 6 फंदे ब्लैक कलर के रखे हैं, एंड अब हमें ये एक फंदा फिर से कम कर देना है यहाँ पर, 1, एंड देन ये 2 फंदे हम ब्लैक में ही बना लेंगे, 1 एंड 2। हम ये क्रीम वाले फंदे भी ब्लैक में ही बना लेंगे। एंड देन हम एक फंदा इधर और बढ़ा लेंगे, अब यहाँ पर एक फंदा इधर ब्लैक बढ़ा दिया, इधर 2 फंदे बढ़ाए हैं, इधर यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दिया।
यहाँ पर ये स्क्रीन का हम ग्रीन करेंगे और इसका, और एक फंदा हम यहाँ कम कर देंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट सिलाई पर भी हम एक फंदा ये कम करेंगे यहाँ पर क्रीम, एंड 1 2 3 इस ग्रीन को भी क्रीम बना लेंगे हम, और फिर यहाँ पर अभी देखिए हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था, अब देन फिर हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, तो ये फंदा हम फिर से ब्लैक बना लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमारे 6 फंदे थे, 6 फंदे के ऊपर हमने एक फंदा बढ़ाया, इधर हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, अब फिर हमने एक एक फंदा बढ़ाया नेक्स्ट सिलाई पर, तो यहाँ इधर एक फंदा बढ़ाया, इधर भी हमें अब हमें एक फंदा और बढ़ाना है। देखिए नेक्स्ट सिलाई पर अब हमें सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पर कोई ना तो हमें फंदा घटाना है एक भी और ना ही बढ़ाना है। ना ही इधर फंदा घटाना है। अब ये हमारे यहाँ पर 4 फंदे हुए, ये फंदा हम बनाएंगे ग्रीन, एंड देन 1 2 3 और फिर से ये हो जाएगा हमारा ग्रीन। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत छोटा सा टेडी है बेबी जैकेट के लिए। देन इस फंदे को बुन लेंगे, अब हम फिर एक फंदा और यहाँ पर घटाएंगे, देन ये हम लेंगे क्रीम कलर 1 2 3, अब हम ये सारे फंदे यहाँ पर क्रीम कलर में ही बुन लेंगे। अब ये ब्लैक के ऊपर हम ब्लैक ही रखेंगे। अब ये देखो हमें कितने फंदे ब्लैक पर ब्लैक रखने हैं, हमारे 17 सिलाई पर आ चुके हैं, हम अपनी 17वीं सिलाई पर, तो हमने एक फंदा यहाँ पर स्किप कर दिया है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमारे हुए क्रीम कलर के, 7 फंदे क्रीम कलर के होने के बाद हमारे ब्लैक कलर के जो फंदे बुनने हैं 1 2 3 4 5 5 फंदे हमें बनाने हैं ब्लैक में, तो मैंने ये 4 फंदे में बना चुकी हूँ, एंड देन 5 फंदे हो चुके हैं मेरे, अब 5 फंदे के बाद में हमें यहाँ पर 2 फंदे क्रीम कलर के बुनने हैं, तो 2 फंदे क्रीम कलर के बनाने हैं 1 एंड 2, 2 फंदे हमारे ये हो गए, 2 फंदे होने के बाद 1 2 3 4 4 फंदे हमारे, यानी कि जो 4 फंदे बचे हुए हैं ये हमें ऐसे ही ब्लैक कलर में ही बुन लेने हैं अपने। और हम अब ये सिलाई अपनी ऐसे ही उतार लेंगे, ये हमारा अभी अपनी 18 सिलाई पे आ चुकी हूँ मैं, 17 तक हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, तो अब 18 सिलाई पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक फंदा अपना ब्लैक कलर का स्किप करना है, ये हमने अभी ये वाली सिलाई अपनी कंप्लीट की है, तो अब हमें 18 सिलाई पे एक फंदा ब्लैक वाला स्किप करना है, तो ये जो हमें फंदा है ये बुन लेना है हमें ग्रीन कलर में, स्किप करने का मतलब ये कि हमें अदर कलर से बुन लेना है, तो अब 1 एंड 2 फंदे हमें यहाँ पर ब्लैक के रखने हैं, एंड फिर हमें ये वाला फंदा, ये जो हमारा ब्लैक है यहाँ पर 4 फंदे थे, एक फंदा इधर कम कर दिया और एक फंदा अब हमें इधर कम करना है, तो ये हम कर लेंगे अपना ग्रीन क्रीम कलर में, तो ये 2 फंदे इन्हें भी हम क्रीम में ही रखेंगे, एंड देन फिर इधर हमें 2 फंदे एक फंदा अब हमें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमारे बीच में हो गए 4 फंदे, अब हमारे यहाँ पर बचेंगे हमें ये अपने 1 2 एंड 3, अब ये फंदा भी हम क्रीम में बुन लेंगे, तो ये हमारी टाई साइड वाली बो का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, एंड आगे के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे,
यहाँ पर हमारे फंदे 9, 18 पे, तो हमने यहाँ तक अभी तक एक एक फंदा हम स्किप करते जा रहे थे, मतलब अदर कलर से बुनते जा रहे थे। अब हमें यहाँ पर एक फंदा इधर बढ़ा देना है क्रीम कलर का, तो ये हम एक फंदा और यहाँ पर क्रीम कलर का ये वाला ग्रीन क्रीम में बदल देंगे, तो एक फंदा हमारा इधर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये फंदे दूसरे हम ऐसे ही बुन लेंगे अपने। तो आगे हम अपनी नेक्स्ट सिलाई पर आ चुके हैं, एंड देन हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया था ये, अब फिर से हमें 19 सिलाई पर एक फंदा फिर से इधर यहाँ पर ये क्रीम कलर का बना देना है। लेकिन अभी हमें फंदे काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे हमें बनाने हैं क्रीम कलर के, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये मैंने रेड कलर से नोट बना लिया, ये अब मुंह का यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने 7 फंदे, एक फंदा इधर बढ़ा दिया ग्रीन कलर को क्रीम कलर का बना दिया है, एंड इसे ही काउंट करके 3, 3, 1, 7 हुए, 7 फंदे हमारे ये हो चुके हैं। और हमें रेड कलर, एक फंदा हमें लेना है अब रेड कलर का, एंड देन फिर हमें एक क्रीम कलर का फंदा लेना है, एंड फिर से हमें एक रेड कलर लेना है, और ये हमारे सभी ब्लैक कलर के जो थे ये फंदे सब क्रीम कलर में हो जाएंगे। तो ये कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे हो जाएंगे हमारे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और जो ये हमारे दो फंदे ये ब्लैक में है, ये हमारे यहाँ पर 7 फंदे सिर्फ यहाँ तक हमें क्रीम कलर करना है, एंड ये फंदे हमारे अदर बेस के कलर में आ जाएंगे, यानी कि ये हमारे ग्रीन कलर में। हम सारी सिलाई या फिर हम अपनी सिंपल उतार लेंगे इधर, तो यहाँ तक हमने बुन लिया है। ये देखना है हमें नेक्स्ट जो हमारी सिलाई है उस पर हमें कोई फंदा इधर क्रीम कलर का नहीं बढ़ाना है, तो हमें इसी के ऊपर ही फिर से क्रीम कलर का ही बना लेना है यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने बन लिया है। अब ये देखें यहाँ पर हमें एक फंदा इधर रेड से, रेड वाला तो हमें यहाँ पर अपना क्रीम कलर का बना देना है, एंड उससे पहले वाला ये वाला फंदा हम रेड कलर का बना लेंगे, एंड इस रेड वाले फंदे को हम क्रीम का बना देंगे, फिर हम रेड फंदा, फिर ये क्रीम कलर का, एंड देन फिर हम रेड कलर का, दो के ऊपर 3 इस तरीके से हम फंदे बना लेंगे। इधर भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना, सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। 2 के ऊपर हमें यहाँ पर 3 फंदे बना लिए हमने। ये 21 सिलाई पर हमें एक फंदा क्रीम कलर का इधर बढ़ा देना है, ये हमारा एक फंदा बढ़ चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर 3 के ऊपर 1 कर देना है रेड कलर, तो ये कैसे, ये भी, अब ये बीच वाले रेड के ऊपर हम रेड कलर ही रखेंगे, और ये सब हम क्रीम कलर बना देंगे। एंड अदर साइड पे एक फंदा इधर यहाँ पर भी इंक्रीज कर देंगे, इधर भी बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर क्रीम कलर का ये बढ़ गया हमारा, लास्ट सिलाई में एक फंदा बढ़ाया था, अब हमें यहाँ पर नई फंदा बढ़ाना है, इसी के ऊपर हमें बुनना है। और इस सिलाई पर हमारी, ये हमारी सिलाई है 22 नंबर, 22वीं सिलाई है ये हमारी, तो इस पर हमें बनानी है आईज़। अब आईज़ बनाने के लिए ये देखिए हमारे बीच का जो पार्ट है नोजी से हमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, हमें कोई फंदे गिनने की जरूरत नहीं है कि नोजी का ये हमारा बीच वाला फंदा है ये, यानी कि ये भी रेड, तीनों फंदे ये हमारे रेड कलर के होने हैं, और इनसे एक फंदा हमें स्किप करना है, एंड ये 2 फंदे हमारे ब्लैक कलर में होने हैं। आईज़ हमारी ब्लैक कलर के बनानी है, ब्राउन बनानी है ब्राउन बना सकते हैं आप, तो सिर्फ मुझे ये वाला फंदा बुनना है, एंड ये 2 फंदे ब्लैक कलर के, 1 एंड 2, ये हमारे फंदे हो गए आईज़ के लिए। देन अब ये 3 फंदे हम बना लेंगे रेड कलर में, 1, 2 एंड 3, फिर हमें एक फंदा क्रीम कलर का लेना है, सेम ही हमें इधर करना है, ऐसे ही यहाँ पर हम ले लेंगे ब्लैक कलर, 1 एंड 2, फिर से हम यही, अब हमारा यहाँ पर रेड कलर का वर्क जो कंप्लीट हो चुका है। हमें ये मुंह का फेस बनाना था यहाँ पर,
मुगा डिज़ाइन बनाना था, तो ये हमारा बन चुका है। अब हमारे आईज़ है, आईज़ के ऊपर एक सिलाई हमारी ये आ गई एंड सेकंड सिलाई पर भी दो के ऊपर, ये दोनों हमारे ब्लैक कलर में बनेंगे, तो हमारी आईज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर भी कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है, ये हमारी 23 सिलाई है, 22 सिलाई है। एंड नेक्स्ट सिलाई पर भी हमें यहाँ कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है, तो ऐसे ही हम उतार लेंगे क्रीम के ऊपर क्रीम। एंड सेम हमें बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक के ऊपर ब्लैक, यहाँ पर हमें मुंह का हमारा डिज़ाइन जो कंप्लीट हो चुका है, तो हम इन्हें क्रीम कलर में बना लेंगे। ये हमारी आंखें सेम ऐसे। तो ये हमारा 23 सिलाई का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है आइस तक हमारा ये बिल्कुल। एंड अब हमें 24 पर, हमें यहाँ पर 24 सिलाई पर एक फंदा इधर क्रीम कलर का बढ़ा देना है, तो ये फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे यहाँ पर। एंड सारे फंदे अब हम इसी तरीके से बोलेंगे, एक फंदा हम यहाँ इधर बढ़ाएंगे और एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, बीच के सारे फंदे हम क्रीम कलर में ही। तो ये डिज़ाइन का लास्ट है हमारा, एक फंदा हम इधर बढ़ा देंगे, एक फंदा ऐसे बढ़ा दिया हमने। नेक्स्ट 24 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड 25 सिलाई पर भी हमें एक फंदा दोनों तरफ, एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बनाना है, बीच में हमें कोई भी कलर ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए हमें एक फंदा हमने इधर बढ़ा लिया है और सेम सभी क्रीम कलर के फंदे हमें बुन लेने हैं। एंड ये वाला फंदा भी हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो ये हमारी 25 सिलाई तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, दो सिलाई हमारी बिल्कुल 1 और 2, 24 और 25 हमने एक एक फंदा दोनों तरफ इंक्रीज़ किया है ओनली। टोटल सभी फंदे जो हमारे बीच के हैं वो हमने सेम कलर में ही रखे हैं। तो अब हमारी ये 26 सिलाई पर हम आ गए हैं, 26 सिलाई पर हमें फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करना है एंड देन हम बनाएंगे ये ईयर्स की कान की शेप बनाएंगे ये हम। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये फंदा हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये फंदा हमने बढ़ा लिया है, तो 1, 2, 3 फंदे हम सेम कलर के ही रखेंगे एंड देन जो भी हमें कलर लेना है उस कलर के 1 एंड 2 इस तरीके से। एंड देन फिर से हम क्रीम कलर ही, ये मैंने लास्ट के यहाँ पर 4 फंदे छोड़े हैं, तो इन 4 फंदों में छोड़ने पर हम 2 फंदे तो ये हमारे ग्रीन हो जाएंगे एंड 2 फंदे ये हमारे क्रीम और एक फंदा हमारा इधर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 के क्रीम कलर के हो जाएंगे। तो ये हम बना लेंगे ग्रीन, ग्रीन कलर में 1 एंड 2 और ये ग्रीन इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें कोई फंदा ना ही बढ़ाना है ना ही घटाना है, तो सेम हम इसी तरीके से ये फंदा 1 2 दो फंदे हम बढ़ा लेंगे, लेकिन ये ग्रीन वाले अब हम यहाँ पर 3 कर देंगे, 1, 2 एंड 3। अब सेम यहाँ पर भी ऐसे ही एक फंदा हम यहाँ भी ग्रीन का बढ़ा लेंगे, ये ग्रीन कलर के 2 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। अब हमारी ये 28 सिलाई पर आ गए हम, तो उसी तरीके से हम फिर से एक फंदा कम कर लेंगे यहाँ पर, 1, 2 एंड 3 जो फंदा हमने बढ़ाया था वही फंदा कम कर लेंगे एंड देन 1, 2 सेम प्रोसेस हमें उधर भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। तो ये आ गए हम अपनी 30 सिलाई पर, तो यहाँ पर ये वाला फंदा भी अब हम एक फंदा यहाँ पर फिर से घटा देंगे, ये ग्रीन कलर में हो जाएगा हमारा। देन 1, 2, 3, 4 सिर्फ हमें 4 फंदे यहाँ पर बनाने हैं और सभी फंदे हम यहाँ पर ग्रीन कलर में ही बनाएंगे। एक फंदा हमें ये घटाना है यहाँ पर, एक फंदा घटाने पर ये हमारे 4 फंदे बच गए हैं और इन 4 फंदों को ही हम क्रीम कलर में बना लेंगे। कंप्लीट हो चुका है हमारा 26 फंदों का एंड 30 सिलाइयों पर बनाया हुआ ये टेडी बेबी डिज़ाइन। तो आपको कैसा लगा? आई होप आप सबको पसंद आया होगा एंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट दोबारा से आपको अच्छे से समझा सकूं। एंड ये मैं जो जैकेट का डिज़ाइन है, जब ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ये आपके सबके साथ शेयर जरूर करूंगी कंप्लीट होने पर। एंड मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जैसे ये जैकेट पर यहाँ पर हमने बिल्कुल बॉर्डर के पास में डिज़ाइन डाला है, आप चाह सकते थे दोनों तरफ भी डिज़ाइन डाल सकते थे, इधर भी, लेकिन मुझे नहीं डालना था। एंड इसके ऊपर मैं बिल्कुल जो मैं डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ, मैं सेम डिज़ाइन इसी तरीके से बनाऊंगी टेढ़ी के ऊपर टेढ़ी।
एंड इसके एक डिज़ाइन और भी है, ये यहाँ पर टेढ़ी हो गया, दूसरा टेढ़ी आपका इधर यहाँ पर साइड में हो गया, फिर इधर ऐसे हो गया, फिर इधर ऐसे, मतलब जिगजैग क्रॉस में भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। एंड एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस टेढ़ी के लिए, ये जो मैंने आपको ग्राफ डिज़ाइन भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ, ये सेम ग्राफ डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया है, लेकिन बट दोनों डिज़ाइन में फ़र्क है। फ़र्क क्या है वो मैं आपको इसकी भी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी, मैं जब भी इसके लिए एक वीडियो डालूंगी आप सब जरूर अच्छे से समझ लोगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। एंड एक चीज़ और मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैंने इस डिज़ाइन को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ ग्राफ, सबसे पहले तो मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ा है एंड देन मैं सब आप सबके लिए ये जैकेट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। एंड देन आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके, क्योंकि मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्राफ डिज़ाइन बनाना सिखाऊं कि किस तरीके से कोई भी डिज़ाइन का हम ग्राफ बना सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगी, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके। हमारा टेढ़ी का डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ वो अपने सजेशन, अपने कमेंट या अपने आइडियाज शेयर कीजिए। एंड मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊं तो मैं आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम किसी भी डिज़ाइन को ग्राफ बनाकर, क्योंकि बिना ग्राफ के हम कोई भी डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं ईज़ली से। तो अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का ग्राफ होगा तो हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कीजिए बहुत सारे, और मैं आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से ज़रूर सिखाऊंगी। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मेन इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है टेढ़ी का, सेम डिज़ाइन है, सेम फंदों का है एंड सेम सिलाई का है, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है कि आप ये सिर्फ ये आउटलाइन का डिज़ाइन है एंड ये भरकर बनाया हुआ डिज़ाइन है। तो अगर आप ये आउटलाइन वाला डिज़ाइन भी बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा उभर के आएगा, बहुत सुंदर लगेगा। और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो ये भी सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये आउटलाइन वाला डिज़ाइन, टेढ़ी का डिज़ाइन भी बनाकर बताऊं, तो आप प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू सो मच, राधे राधे।